हो सब्जी वाले, ये मूली आजकल कितने भाव की चल रही है भाई? सब्जी वाला डरते हुए बोला, अरे सेठ जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो सब्जी खरीदने तो आपका नौकर या आपकी पत्नी आती है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ। अब जल्दी से मूली के भाव बताओ, मेरा आज मूली खाने का बहुत मन है। मूली हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है ना? आपके हाजमे के चर्चे तो दूर दूर तक राज्यों में फैले हुए हैं सेठ जी। आप मूली खाकर क्या करेंगे? बकवास मत करो और मूली के भाव बताओ, समझे? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? इतनी महंगी? पहले मैं मूली चखूंगा, उसके बाद खरीदूंगा। इतना बोलकर गेंदा सेठ ने एक मूली उठा ली और उसे खाने लगा। बहुत स्वादिष्ट है। कुछ देर में गेंदा सेठ दुकानदार की सारी मूलियाँ खा गया और दुकानदार से बोला, तुम्हारी मूली बहुत स्वादिष्ट थी, कल मैं तुम्हारी दुकान से आकर मूली जरूर खरीदूंगा। सेठ जी, इसके पैसे तो दीजिए। पागल हो गए हो क्या? अरे चखने के कोई पैसे देता है भला? इतना बोलकर गेंदा सेठ वहाँ से चला गया। दुकानदार सर पीटते हुए अपने आप से बोला, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया भैया। ये भुक्कर सेठ मेरी सारी मूली खा के चला गया। अरे कलवा डाकू, तू बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता है, अरे अरे इस भुक्कर का अपहरण क्यों नहीं कर लेता, सारे गांव को मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन गेंदा सेठ सोकर उठकर सीधे अपनी पत्नी से बोला, अरे जल्दी से खाना लगाओ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले शायद उन्होंने हाजमोला की पूरी बोतल निगल ली होगी, उसका नतीजा तुम निकले। तुम्हें जो भी बुरा भला बोलना हो आराम से बोल लेना, पहले मेरे लिए खाना लाओ। तुम्हें आज कोई खाना नहीं मिलेगा, कल तुमने उस बेचारे सब्जी वाले का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी 50 किलो मूली खा गए तुम, उसके सारे पैसे मुझे चुकाने पड़े। गेंदा सेठ क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर आ गया। अचानक उसके मन में एक विचार आया। गेंदा सेठ सीधे अपने गांव के बाजार में चला गया। तभी गांव का मुखिया उसे मिल गया। अरे भुक्कर सेठ, कहाँ जा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब गेंदा सेठ, जाओ जल्दी से अपने घर चले जाओ। क्यों, क्या तुम अपनी बेटी की शादी का न्योता देने मेरे घर आ रहे हो क्या? अरे मेरी क्या मतमारी गई है, जो मैं तुम्हें न्योता दूंगा? अरे मैंने सुना है कि कलवा डाकू अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ रहा है भाई, है? कलवा डाकू जो है बहुत बड़ा डाकू है, समझे? तुम्हें पता है वो लोगों का अपहरण करके ले जाता है और बदले में उनसे ढेर सारे पैसे मांगता है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। गेंदा सेठ मुखिया की बात को अनसुना करके सीधा एक फल वाले के पास जाकर अरे भैया, ये सेब आजकल क्या भाव चल रहे हैं? 200 रुपए किलो भैया। अरे बहुत महंगे हो गए हैं, पहले मैं एक सेब चक्कर देखूंगा। भैया मुझे सब पता है, है? कल तुमने मूली सब्जी वाले का बेड़ा करके कर दिया है, अब तुम वही करने मेरे पास आयो, चले जाओ बता रहा हूँ। गेंदा सेठ अपने गले में सोने की मोटी चेन को दिखाते हुए बोला, अरे क्या भिखारी समझा है क्या? ये मोटी सोने की चेन देख रहा है? तो अपनी पूरी दुकान, अपना घर भी बेच देगा ना, तब भी नहीं खरीद पाएगा, समझा? तभी वहाँ पर कलवा डाकू अपने साथियों के साथ घोड़े पर बैठकर आ गया। कलवा डाकू सबकी ओर देखते हुए बोला, हमारा ही नाम कलवा है, कलवा। हम जहाँ भी जाते हैं पैसा, सब्जी, फल, अनाज, पानी सब लूट लेते हैं। इतना बोलकर कलवा डाकू अपने साथियों की ओर देखकर बोला, लूट लो पूरे बाजार को,
जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं सब लूट लो। 2 महीने आराम से बैठ कर खाएंगे। तभी वहाँ पर एक साधु आ गया जो कलुआ की ओर देखकर बोला, ये सब गलत है कलुआ, तुम्हें इस तरह से गरीब लोगों को लूटने का कोई अधिकार नहीं है। कलुआ हंसते हुए साधु से बोला, हमारा नाम कलुआ है साधु, बाप का, दादा का, नानी का, नाना का, सबका नाम थुकाया है इस कलुआ ने। देखो कलुआ, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारे ग्रह सही नहीं चल रहे। आज इस बाजार को लूटने का इरादा त्याग दो, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे। अरे जा जा पाखंडी साधु, है अगर ऐसी बात है तो मैं पूरे बाजार को लूटूंगा भी, और साथ ही साथ इस गांव में एक अमीर व्यक्ति का अपहरण भी करूंगा। तभी कलुआ की नजर गेंदा सेठ पर पड़ी। देखने में तो तू सेठ लग रहा है। अरे मैं गांव का सेठ ही हूँ, मुझे गेंदा सेठ कहते हैं, गेंदा सेठ। कलुआ गुस्से से बोला, हमारा नाम कलुआ है, बाप का, दादा का, दादी का, नानी का, पर नानी का, सबका नाम थुकाया है इस कलुआ ने। बड़े बड़े मूर्ख इंसान देखे इस कलुआ ने, लेकिन तेरे जितना बड़ा मूर्ख नहीं देखा। तूने मुझे बता ही दिया कि तू सेठ है, अब तो मुझे तेरा अपहरण करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर कलुआ अपने साथियों से बोला, सारे बाजार को लूट लो और इस गंदा सेठ को भी उठा लो। कलुआ गेंदा सेठ को बंदी बनाकर एक खेत में ले गया। अपने साथी से बोला, इस सेठ को धूप में ऐसे ही खड़े रखो, थोड़ी तो चर्बी कम होगी इसकी, खा खा कर तोंद का पठान कोट बना रखा है, बताओ। गेंदा सेठ कलुआ से बोला, अरे डाकू जी, मेरे इस पठान कोट को बहुत जोरों की भूख लगी है, और मुझे चाहे धूप में बांधो चाहे छाऊ में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे कुछ खिला दो। हमारा नाम कलुआ है, बाप का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, पर नानी का, सबका नाम थुकाया है इस कलुआ ने। हम बहुत बड़े डाकू हैं, लेकिन हमने आज तक कभी किसी को भूखा नहीं मारा, तेरी ये इच्छा भी हम जरूर पूरी करेंगे। इस खेत को देख रहा है, ये मेरा ही खेत है। लेकिन आप तो डाकू हैं, प्रॉपर्टी का काम भी साथ में करते हैं क्या? अरे मूर्खे, हम लोगों को लूटकर जमीन खरीदते हैं ताकि बुढ़ापे में हम आराम से बैठकर खा सके, और ये मेरा पपीते का खेत है। तुझे जितनी भूख लगी है खा ले। इतना बोलकर कलुआ अपने साथी से बोला, ए, इसके हाथ खोल दो। सरकार, अगर ये भाग गया तो? अबे तोंद देख, भागेगा भी तो कहाँ तक, और भागा भी तो फिर इसको पता लग जाएगा कि कलुआ है हम। हाँ, भागने वाले को सीधा गोली मार देते हैं। कलुआ के साथी ने गेंदा सेठ को खोल दिया। कलुआ अपने साथियों की ओर देखकर बोला, नम 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 नम, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम सब भी आराम कर लो बे, और हाँ इस सेठ पर नजर रखना, समझे। इतना बोलकर कलुआ आराम की नींद सो गया। गेंदा सेठ को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। गेंदा सेठ देखते ही देखते पूरे खेत के पपीते चट कर गया। कलुआ जब सोकर उठा तो उसने देखा उसके पपीते के खेत में पपीते का नामो निशान तक नहीं था। अरे कुछ देर पहले मेरे खेत में पपीते ही पपीते बिखरे पड़े थे, कहाँ गए? क्या हमसे भी बड़ा कोई डाकू आ गया था क्या कोई, जो हमारे ही खेत को लूट कर ले गया? कलुए का दूसरा साथी जो कि गेंदा सेठ पर नजर रख रहा था कलुआ से बोला, कोई डाकू नहीं आया था सरकार, सबसे बड़ा डाकू तो हम पकड़ कर लेकर आए हैं। क्या कहना चाहते हो बे तुम? सारे पपीते ये सेठ खा गया, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा भक्कर कभी नहीं देखा।
अविश्वास भरी नजरों से